सो गाइज, ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग इन द सेंस 9 o'clock का। और यहाँ पे मॉर्निंग भी बहुत लेट होता है क्योंकि यहाँ पे 6:30 तक अंधेरा अंधेरा जैसा ही रहता है। और उसके बाद में मीन्स लाइक 7 o'clock को लगता है थोड़ा उजाला हो गया, मीन्स लाइक फ्रेश उजाला जो बोलते हैं एकदम सुबह, वो 7 o'clock को होता है यहाँ पे। तो आप देखिए कि मैं जल्दी से उठ करके मैं भी कपड़े वॉश कर लेती हूँ क्योंकि सबसे बड़ा काम मेरे लिए वही होता है, क्योंकि हैंड से वॉश करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए तो जो टाइम टेकिंग काम होता है वो थोड़ा मैं सबसे पहले ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सभी कपड़े को छत पे डाल रही हूँ क्योंकि ये संडे वाले दिन का व्लॉग है। उस दिन मैं अपने सिस्टर के घर गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ, अदरवाइज रह ही जाएगा। फिर पता नहीं मैं कितने बजे तक आऊँगी, तो फिर कपड़े कब डालूँगी, कब सूखेगा, ये सोच करके मैंने कपड़े डाल दिए थे। और ये साड़ी जो मैं डाल रही हूँ छत पे, वो सरस्वती पूजा के दिन लास्ट व्लॉग में मैंने पहना था। तो ये सब मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि संडे को मैं क्या कर रही थी, तो मैं यही कर रही हूँ। सबसे पहले घर का काम सबसे इम्पोर्टेंट है, घर का काम हो जाता है तो लगता है कि हाँ भाई बहुत सारा काम हो गया। सो चलिए मैं आप सामने से मिलती हूँ। सो गाइस, जस्ट मैं अभी कपड़े डाल चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, सिस्टर के घर जा रही हूँ अभी। तो जस्ट मैं अभी रेडी हो गई थी, मैंने सोचा कि चल मैं कपड़े डाल देती हूँ, दरवाज में रह जाएंगे कपड़े ऐसे ही। तो चलो फिर फिलहाल मैं चलती हूँ नीचे और रेडी होती हूँ और निकलती हूँ। यहाँ मुझे ना छींक पे छींक हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि यहाँ का वेदर यार अजीब है एकदम से। कभी भी सर्दी, कभी भी गर्मी है। आज का वेदर ऐसा लगा जैसे कि बारिश होने वाला है, पर मालूम नहीं होगा या नहीं होगा। क्या हो बोलू, नहीं जाना है आपको, रेडी हुई है ना? ये पहन के जाना है, चेंज कर लीजिए ड्रेस। सो गाइस, मैं अपने सिस्टर के घर में आई हूँ अभी और मैंने बताया था, तो मैंने बोला था कि हाँ मैं सिस्टर के घर जाऊंगी। और मैंने यहाँ पे म्यूट किया है क्योंकि बच्चे लोग सॉन्ग सुन रहे थे, तो फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से। और यहाँ पे मैं आई थी आफ्टरनून को और शाम हो गया था, एक्चुअली शाम हो गया था, क्योंकि मुझे बात करते करते मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। मुझे कंटिन्यू करना था व्लॉग, बट आई एम सो सॉरी। तो ऐसा नहीं होगा, मैं अब कोशिश करूँगी जब भी मैं बाहर जाऊँ तो मैं बातों में ना रह जाऊँ, क्योंकि मुझे व्लॉग भी शूट करना होता है। और मैं एक्चुअली सच में बहुत थोड़ा भी ध्यान नहीं था कि मैं याद रखूँ, मुझे कैमरा भी उठाना है। देखे दोनों मेरे दोनों बच्चे हैं बैठ के और मोबाइल में देख रहे, सॉन्ग सुन रहे हैं, राइम सुन रहे हैं बच्चों वाला। सो गाइस, मेरे संडे का दिन कुछ ऐसा ही रहा। मैं अपने घर